आरबीआई ने नए साल में झटका देते हुए एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। इससे पहले 3 दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली थी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से होम लोन के ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें कि मई 2022 से रेपो 4% था, जो अब बढ़कर 6.5% हो गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते 3 वर्षों के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए कठिन फैसले जरूरी थे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब उतना गंभीर नहीं दिख रहा जितना कुछ महीने पहले था। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।